और बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां पर राजमाता देवेंद्र कुमारी का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का पार्थिव शरीर विशेष प्लेन से दरमा हेलीपैड पहुंचा और राजमाता के पार्थिव शरीर को अंबिकापुर पैलेस में दर्शनार्थ के लिए रखा गया। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। दोपहर 4 बजे रानी तालाब में उनके अंतिम संस्कार किया गया। राजमाता के अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर और साथ ही साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक सत्यनारायण शर्मा और दयानंद साहू, मोहन मरकाम शामिल। मारिए 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 मारिए, लहर उठने दी। राजमाता का दुखद निधन आज पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश स्तब्ध है। आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आज अंबिकापुर पहुंचे थे और हम सब के लिए कपूर क्षति है, सरगुजा के लिए नहीं, ये समूचे छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति में हम लोग राजमाता जी के साथ काम किए हैं, पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सब शोकाकुल हैं, कांग्रेस परिवार ही नहीं अपितु पूरा छत्तीसगढ़, राजनीति के क्षेत्र में भी मायूसी का माहौल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तब से उनका हस्तक्षेप, उनके परिवार का हस्तक्षेप सामाजिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में भी। अधिक जानकारी के साथ राजकुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से राजमाता देवेंद्र कुमारी का अंतिम संस्कार किया गया, पंचतत्व में विलीन, कौन कौन से उन जो नेता थे वो इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ उनका कहना था? जी बता दो आपको, ये पूजा के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है जहां लगभग जी राजकुमार अब तो हमारी आवाज पहुंच रही है, चलो राजकुमार से संपर्क टूट गया है। आज राजमाता देवेंद्र कुमारी का अंतिम संस्कार किया गया और पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमारी जो सिंहदेव का जो पार्थिव शरीर है विशेष प्लेन से दरमा हेलीपैड पहले पहुंचा और राजमाता के पार्थिव शरीर को अंबिकापुर पैलेस में लोगों को देखने के लिए, दर्शनार्थ के लिए भी रखा गया और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। 4 बजे तालाब के पास उनका अंतिम संस्कार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका